हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 मैंने स्टार्ट किया था। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फुल्ली सॉल्व करके दे दिया आपको। तो इस थर्ड वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ, एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, If y इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल रेज टू 3 प्लस एक्स क्यू माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू 4। सो क्वेश्चन इज फाइंड dy बाय dx, आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो यहाँ पर दो टर्म्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों टर्म्स को, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू d by dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म को अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल रेज टू 3 है यहाँ पे, प्लस d by dx ऑफ सेकेंड टर्म को भी अप्लाई होगा, x रेज टू 3 माइनस 5x माइनस 2 और ये देखो आपका होल रेज टू 4 है। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है, ये जो पूरे ब्रैकेट का टर्म है वो x का फंक्शन है और पावर में देखो नंबर दिया है, तो ये f ऑफ x रेज टू n के टाइप में है। और आपको मालूम है f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x लिखते हैं हम लोग, वही सेम थिंग यहाँ पर भी होगा। तो मैं अप्लाई करता हूँ, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n मीन्स 3 हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेज टू 3 माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा, इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ। अपना जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो x रेज टू n के लिए है, बट x के प्लेस पे x का ये पूरा फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव अपने को मल्टीप्लाई करना रहता है। सो इंटू d बाई डी एक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एग्जैक्टली सेम वे सेकेंड टर्म को भी डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ब्रैकेट x रेज टू 3 माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, बट आपको यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3 माइनस 5x माइनस 2। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 3 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेज टू 2 एज इट इज रहेगा, इनटू ब्रैकेट देखो अभी यहाँ पर आप ब्रैकेट में दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव चाहिए। सो ईच टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 होता है और प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, देन प्लस ईयर 4 इंटू ये टर्म एज इट इज रहेगा x रेज टू 3 माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू 3 इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में टर्म है x क्यू माइनस 5x माइनस 2 तो ईच टर्म का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आएगा 3x रेज टू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस 5x का आएगा 5 और माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया है, दैट मीन्स जो आपका d बाय डी एक्स का टर्म्स यहाँ पे निकल गया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रखेंगे हम लोग। सो दिस आई कैन राइट 3 इंटू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, 2x प्लस 4 यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो आप, प्लस देखो यहाँ पर 4 दिस इज एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 3 इंटू यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 5 तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया है। नाउ सी हियर एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन दिया है, y इक्वल टू 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 8 दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन का u इंटू v रूल यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। तो मैं फर्स्ट ब्रैकेट को u अज्यूम करूँगा और सेकेंड ब्रैकेट को v, और फार्मूला आपको मालूम ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले u आता है तो आई विल राइट हियर 1 प्लस 4x रेज टू 5 ये u हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v लिखते हैं हम लोग, तो v है आपका यहाँ पे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8
तो ये हो गया आपका u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, फिर यहाँ पर प्लस आता है v, दैट मीन्स 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, ये v हो गया, इंटू करेंगे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ u, सो u यहाँ पर कितना दिया है आपको 1 प्लस 4x और ये होल रेज टू 5। तो देखो मैंने क्या किया, सिंपली फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज़ किया है, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 हो गया इंटू। अब देखो यहाँ पे आपको ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, बट ये फंक्शन देखो पावर के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये एफ ऑफ एक्स हो गया और ये पावर एन हो गया आपका, तो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, दैट मीन्स एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एन मीन्स 8 और ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एन, फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, इंटू करना पड़ता है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ, अपना स्टैंडर्ड फार्मूला x रेज टू n के लिए है, बट x के प्लेस पे ये लिखना है आपको, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इंटू, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस, ठीक है, अब ये टर्म तो आपका एज इट इज रहेगा, तो आई विल राइट हियर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x होल रेज टू 5, तो यहाँ भी f ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, सो दिस विल बी 5 इंटू आएगा यहाँ पे देखो आपका 1 प्लस 4x रेज टू 5 माइनस 1, तो 4 हो जाएगा, पर आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x, दिस सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू 8 इंटू दिस इज 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 है इंटू, ब्रैकेट देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट में है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो 3 का तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, एक्स का 1 हो जाएगा माइनस, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर 2x एंड दिस इज प्लस, ये है आपका 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 प्लस 4x होल रेज टू 4 इंटू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आपको देखो क्या दिया है d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 4x का 4 हो जाएगा, ठीक है, तो देखो d बाय डी एक्स आपका निकल गया, मतलब सम सॉल्व हो गया है, अब देखते हैं कुछ मल्टीप्लीकेशन या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या यहाँ पे, तो वो कर देते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू नाउ, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका, ये 8 को मैं आगे ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 1 प्लस 4x होल रेज टू 5 इंटू यहाँ पर है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 7 इंटू ये 1 माइनस 2x आपका एज इट इज़ रहेगा, देन प्लस, अब ये टर्म में देखते हैं हम लोग, ये 4 और ये 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, सो दिस विल बी 20 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1 प्लस 4x होल रेज टू 4, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है, तो सम सॉल्व हो गया आपका, देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन है, आपको दिया y इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 3x दिया है, तो इसको सॉल्व करने का एक्चुअली दो मेथड है, एक तो मेथड है कि हम लोग यहाँ पे u अपॉन v रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको u अपॉन v रूल अप्लाई नहीं करना है तो u इंटू v रूल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं u अपॉन v रूल से सॉल्व करता हूँ, सो ये जो न्यूमरेटर है इसको u अज्यूम करेंगे हम लोग और डिनोमिनेटर को v अज्यूम कर देंगे, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये dy अपॉन dx इक्वल टू, तो u अपॉन v के फॉर्मूले में पहले v आता है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 माइनस 3x, ये v हो गया, इंटू आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स न्यूमरेटर आएगा, फिर माइनस आता है u, मीन्स न्यूमरेटर इंटू आएगा d बाई डी एक्स ऑफ v आता है, दैट मीन्स अंडर रूट 7 माइनस 3x, और अपॉन में आता है v का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर आता है, ठीक है, तो मैंने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये जगह देखो आपका अंडर रूट 7 माइनस 3x तो एज इट इज़ रहेगा इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस,
ये x एज इट इज रहेगा इन टू, अब आपको देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये रूट एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स मीन्स सेवन माइनस थ्री एक्स इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स सेवन माइनस थ्री एक्स, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाई देखते हैं डिनोमिनेटर, रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर है तो ये रूट आपका चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेवन माइनस थ्री एक्स। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ देखो, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू अंडर रूट सेवन माइनस थ्री एक्स, दिस वे माइनस है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन टू टाइम्स अंडर रूट सेवन माइनस थ्री एक्स इंटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस थ्री एक्स है तो 7 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री होता है, सो आई विल राइट हियर माइनस थ्री और यहाँ पर आपको होल डिवाइडेड बाय दिया है 7 माइनस थ्री एक्स, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, सो दिस आई विल राइट दिस इज इक्वल टू नाउ सी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अभी, तो पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये है आपका अंडर रूट 7 माइनस थ्री एक्स है, ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस दिया है तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, सो आई विल राइट हियर प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दिस विल बी 3x अपॉन यहाँ पर है 2 अंडर रूट है ये 7 माइनस 3x दिस वे एंड टोटल डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है आपका 7 माइनस 3x, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई इन द सेंस व्हाट, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसको आप अपॉन वन लेकर के ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट सेवन माइनस थ्री एक्स इंटू टू टाइम्स अंडर रूट सेवन माइनस थ्री एक्स, तो ये आपका रूट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स सेवन माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, सो दिस विल बी जस्ट टू टाइम्स सेवन माइनस थ्री एक्स और प्लस देखो यहाँ पर आपका वन इंटू थ्री एक्स, तो यहाँ पर थ्री एक्स आएगा और ये डिवाइडेड बाई आपका वन इंटू दिस, ये हो जाएगा आपका टू टाइम्स अंडर रूट सेवन माइनस थ्री एक्स और ये अपॉन में है तो अपॉन में रहेगा तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा वो सेवन माइनस थ्री एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका एलसीएम आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करते हैं, टू सेवन सा हो जाएगा ये 14 माइनस टू थ्री सा सिक्स एक्स हो जाएगा, दिस इज प्लस थ्री एक्स एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टू टाइम्स, नाउ सी अंडर रूट सेवन माइनस थ्री एक्स है तो रूट को मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो रूट को निकालूंगा मैं तो सेवन माइनस थ्री एक्स रेज टू, ये हो जाएगा आपका हाफ इन टू और यहाँ पर है सेवन माइनस थ्री एक्स रेज टू, हम लोग वन भी लिख सकते हैं इसको, सो दिस इज इक्वल टू नाउ आप देखो यहाँ पर ये हो गया आपका 14 माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स है तो माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स होता है माइनस थ्री एक्स यहाँ पर आएगा और डिवाइडेड बाय दिस विल बी टू टाइम्स नाउ सी यहाँ पे देखो 7 माइनस थ्री एक्स बेस है और यहाँ पर भी 7 माइनस थ्री एक्स बेस है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो कॉमन बेस रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है मालूम है आपको, सो हम लोग यहाँ पे कॉमन बेस लेंगे 7 माइनस थ्री एक्स, यहाँ पे पावर है हाफ, यहाँ पे पावर है 1 ऐड हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज टू टाइम्स 7 माइनस थ्री एक्स, पावर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हाफ प्लस 1 मुझे 3 बाई 2 मिलेगा, सो दिस इज 3 बाई 2, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइनल आंसर मिल गया आपको, सम सॉल्व हो गया। तो क्या फोर्थ सब क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस फाइव होल रेस टू फाइव अपॉन एक्स क्यू प्लस थ्री होल रेस टू थ्री यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सो यहाँ पर देखो दो फंक्शन का डिवीजन है तो जब दो फंक्शन का डिवीजन रहेगा तो हम लोग यू अपॉन वी रूल अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे यू अपॉन वी रूल यूज़ करता हूँ, तो जो न्यूमरेटर है वो आपका यू रहता है और डिनोमिनेटर वी रहता है, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका देखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो यू अपॉन वी रूल में पहले वी आता है दैट मीन्स एक्स रेस टू थ्री प्लस थ्री रेस टू थ्री वी इंटू लिखते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ यू दैट मीन्स एक्स रेस टू थ्री माइनस फाइव होल रेस टू फाइव, तो हमने क्या किया पहले v लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिख दिया, फिर माइनस आता है आपका u दैट मीन्स x रेस टू थ्री माइनस फाइव होल रेस टू फाइव यू और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स x रेस टू थ्री प्लस थ्री होल रेस टू थ्री और अपॉन आता है आपका v स्क्वायर दैट मीन्स x रेस टू थ्री प्लस थ्री का
होल स्क्वायर, तो क्यूब तो पहले से ही यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, दैट मीन्स दिस वे ऐसे करना है। सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं, सो दिस इज इक्वल टू आएगा, सो एक्स रेज टू 3 प्लस 3 द होल रेज टू 3 एज इट इज इन टू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो ये जो फंक्शन है वो एक्स रेज टू एन के टाइप में है, तो फॉर्मूला इसका आएगा 5 एक्स रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, इन टू करना पड़ता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 5, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 5, देन यहाँ पे माइनस लिखता हूँ मैं, और ये देखो आपका एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5 एज इट इज रहेगा इनटू, देखो अभी यहाँ पे, अब ये जो फंक्शन है ये भी एक्स रेज टू एन के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपका 3 एक्स रेज टू 3 प्लस 3 रेज टू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3 प्लस 3 दिस वे अपॉन हो जाएगा ये, दिस इज टोटल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू 3 प्लस 3 होल रेज टू 3 और ये आपका हो गया देखो होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, सो दिस इज इक्वल टू नाउ, सो आई विल राइट हियर दिस एक्स रेज टू 3 प्लस 3 द होल क्यूब एज इट इज रहेगा, देन यहाँ पर इनटू है 5, देन यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 4 होल रेज टू 4 है इनटू, यहाँ पर देखो लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, तो माइनस 5 का तो डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, x रेज टू n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका इन टू 3x स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, देन आफ्टर दैट यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ये एक्स क्यूब एक्स रेज टू 3 माइनस 5 होल रेज टू 5 एज इट इज़ रहेगा इन टू 3 भी रहेगा यहाँ पर, इन टू यहाँ पर देखो आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 3 और यहाँ पर होल रेज टू 2 है इन टू देखो लिखा है यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3 प्लस 3, तो प्लस 3 का तो डेरिवेटिव 0 आएगा और x रेज टू 3 का आपको मालूम है 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, सो दिस विल बी 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दिस वे, सो दिस इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं देखो यहाँ पे अपॉन जो आपका v स्क्वायर दिया वो तो एज इट इज रहेगा, सो दिस इज x रेज टू 3 प्लस 3 होल क्यूब और ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, देखो तो इसको देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 5 इंटू 3, तो 5 थ्रीजा कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, तो आई विल राइट ईयर 15 एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे आएगा आपका एक्स रेज टू 3 प्लस 3 होल रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 4 होल रेज टू 4 हो गया ये, देन माइनस देखो आपका यहाँ पर, देन दिस वन, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 3 थ्रीजा 9 एक्स स्क्वायर आई कैन राइट ईयर, तो ये जाएगा आपका 9 एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5 इंटू यहाँ पर देखो एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय, नाउ सी दिस पावर एंड दिस पावर विल गेट्स मल्टीप्लाई, तो 3 टू जा 6 हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्स रेज टू 3 प्लस 3 होल रेज टू 6, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स सम सॉल्व हो गया। देखो तो थर्ड का फिफ्थ सब क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब है, तो इसको सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको मैं वाई लेकर के सॉल्व करूंगा, तो विल राइट हियर लेट वाई इक्वल्स टू गिवन फंक्शन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल रेज टू 2 दिया है इंटू दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल रेज टू 3 दिया है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो अब राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है मतलब वहाँ पर यू इंटू वी रूल आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट को यू अज्यूम करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को वी अज्यूम करेंगे हम लोग, तो यू इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, तो पहले यू आता है दैट मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर यू हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी आएगा, वी मीन्स 1 प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब u d by dx of v, देन हम लोग प्लस लिखते हैं यहाँ पर v, दैट मीन्स 1 प्लस cos स्क्वायर x होल रेज टू 3 v हो गया, इन टू लिखना पड़ेगा आपको d by dx of u means 1 प्लस साइन स्क्वायर x द होल स्क्वायर, तो ये मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है u इंटू d by dx of v प्लस v इंटू d by dx of u, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको,
तो ये देखो आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है वो x रेज टू n के फॉर्म में है, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव यहाँ पे यूज़ हो जाएगा n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 3 इंटू 1 प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स होल रेज टू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको इंटू करना पड़ेगा d बाय डी एक्स ऑफ अदर देन x, बिकॉज अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला x रेज टू n के लिए है, तो x की जगह पे ये फंक्शन दिया है उसका, तो इसका डेरिवेटिव आपको इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन ये प्लस एज इट इज यहाँ पर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका एज इट इज रहेगा द होल क्यूब इंटू, देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट में। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये x रेज टू n के फॉर्म में ये भी है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस दिस इज साइन स्क्वायर x इंटू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस दिस इज साइन स्क्वायर x। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करते जाता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर x द होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू दिस इज 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू। अब देखो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो देखते क्या आता है इसका। अभी 1 तो कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, x की जगह पे उसका कंपोजिट फंक्शन है कॉस x, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये होता है n x रेज टू n माइनस 1, बट इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ दिस कॉस x। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये इंटू माइनस साइन x हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ आगे मैं इसको, और यहाँ पर देखो अभी आपको प्लस दिया है तो राइट हियर प्लस, और यहाँ पर है 1 प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ सेम वे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है और साइन स्क्वायर एक्स में x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन x इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आई विल राइट हियर cos x। देखो मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, नाउ सी हियर यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो ये माइनस साइन तो यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो दिस आई विल राइट हियर माइनस साइन आगे आ जाएगा बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में पूरा टर्म्स है। अब देखो ये 3 है तो 3 भी यहाँ पर रहेगा, सो दिस विल बी माइनस 3 इंटू, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग ये 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है, माइनस साइन को मैंने आगे ले लिया तो ये एक्चुअली हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ रहा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x, तो ये प्लेस को रिप्लेस करके मैं वहाँ पर लिख देता हूँ साइन 2x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 साइन 2x हो जाएगा इंटू, दूसरा यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर है यहाँ पर, और इंटू यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है दिस वे, एंड देन उसके बाद यहाँ पर प्लस है, और नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेम वे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन 2x, और ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा आपका, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 इंटू ये हो गया आपका साइन 2x, और देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शन बचा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बचा हुआ है, तो आई विल राइट हियर इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स होल रेज टू 3 है इंटू यहाँ पे क्या बचा है देखो आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू, अब ये दो टर्म है दोनों में कुछ कॉमन लेने का ट्राई करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर साइन 2x है आपका, और यहाँ भी देखो साइन 2x है, ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर है, और यहाँ पे जस्ट आपको दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब है, तो मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ,
सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ। एक तो देखो आपका कॉमन आएगा साइन टू एक्स कॉमन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस साइन टू एक्स कॉमन लेता हूँ। एक तो माइनस साइन टू एक्स कॉमन आएगा इनटू, देखते हैं और क्या कॉमन आता है, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर है और यहाँ पे वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो आई कैन टेक वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऑल्सो कॉमन, ये हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा। और देखते क्या कॉमन आता है यहाँ पर, यहाँ पर देखो वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर है और यहाँ पे वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब है, तो आई कैन टेक वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर कॉमन, तो मैं यहाँ पे वन प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ। तो देखते ब्रैकेट में क्या बच रहा है अभी आपका, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, थ्री बच रहा है, तो आई विल राइट हियर थ्री बिकॉज मैंने माइनस कॉमन लिया है, और ये वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन गया तो यहाँ पर एक बचेगा, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ पे बिकॉज स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा आपका वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा आपका, ठीक है। और ये तो स्क्वायर कॉमन गया है, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है तो ब्रैकेट का ये साइन जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन टू एक्स कॉमन गया है, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर कॉमन गया है, तो यहाँ बचेगा आपका वन प्लस कॉस एक्स, तो आई विल राइट हियर वन प्लस कॉस एक्स बचेगा यहाँ पे, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे टू भी बच रहा है आपका, तो आई विल राइट हियर माइनस टू ऑल्सो हियर, ठीक है, दिस वे, सो दिस इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करता हूँ देखो मैं इसको, तो ये जाएगा आपका माइनस साइन टू एक्स इंटू ब्रैकेट में है वन प्लस, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर वन प्लस, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में क्या करते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका थ्री वन ज़ा थ्री प्लस हो जाएगा, दिस इज थ्री साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं हम लोग ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू माइनस टू, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका माइनस, दिस इज साइन टू एक्स इंटू यहाँ पर ब्रैक माइनस साइन टू एक्स इंटू वन प्लस, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर क्या बचा है वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, द होल स्क्वायर ये हो गया आपका इंटू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा है आपका, ब्रैकेट में आपका बचा है दिस देखो थ्री माइनस टू, तो थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर वन प्लस, यहाँ पर बच रहा है आपका थ्री साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है और यहाँ पे माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स बच रहा है, दिस इज इक्वल टू, और भी सिम्प्लीफाई हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका साइन टू एक्स इंटू दिस इज वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा इंटू, देखो यहाँ पर आपका वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू, नाउ से ये ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ये वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स है राइट, ये माइनस टू इंटू, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आई कैन राइट हियर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑल्सो, दिस वे मैं लिख सकता हूँ, और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टू एक्स इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, देखो यहाँ पर आपका वन प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपका, दिस विल बी वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस टू से ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो माइनस साइन टू एक्स इंटू ब्रैकेट वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर देखो वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखो थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस फाइव साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस वन और ये माइनस टू, तो आपका हो जाएगा माइनस वन, तो आई विल राइट हियर माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस आपका फाइव साइन स्क्वायर एक्स, दिस वे देखो यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन से आप ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, साइन आपका चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन से हम लोग ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर देखो मैं लिख देता हूँ जो आप, तो फाइनल आंसर देखो यहाँ पे माइनस को निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, साइन टू एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स
और यहाँ पर देखो आपको है ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इन टू, ये जो माइनस साइन है मैं ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, तो आप लिख दोगे 1 और ये माइनस हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, सम सॉल्व हो गया। देखो मैंने अभी सेवन सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थ्री एक्स प्लस टैन थ्री एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या दिया है, लॉग ऑफ सम फंक्शन दिया है, दैट मीन्स ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो आपको मालूम है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज सेक 3x प्लस ये आपका है टैन 3x, ठीक है ये हो गया आपका लॉग का 1 अपॉन होता है इंटू करना पड़ेगा आपको यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज सेक 3x प्लस हो जाएगा ये टैन 3x दिस वे, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक 3x प्लस टैन 3x, तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा इनटू। अब देखो ब्रैकेट में दो टर्म है तो दोनों का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो sec 3x का डेरिवेटिव आपको मालूम है sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टैन एक्स, तो sec 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा दिस इज sec 3x इंटू हो जाएगा tan 3x इंटू करना पड़ेगा आपको, अभी ये sec x नहीं है, x के प्लेस पे 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो d बाय dx ऑफ 3x क्या आएगा 3, तो मैं 3 को देखो यहाँ पर लिख देता हूँ और ये प्लस एग्जैक्टली सेम वे हम लोग tan 3x का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आपको मालूम है tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो tan 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर 3x हो जाएगा, तो tan 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x करेंगे तो 3x का 3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ इंटू, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 1 अपॉन sec 3x प्लस दिस इज tan 3x इंटू करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर सी यर अभी ये फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट में प्लस सेकेंड टर्म है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कुछ कॉमन लेने का, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा इंटू, और क्या कॉमन आ सकता है sec 3x, और देखो ये sec स्क्वायर 3x है, तो यहाँ से 1 sec 3x कॉमन आ सकता है, तो 3 sec 3x ये कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका tan 3x प्लस यहाँ पे बचेगा आपका sec 3x, ये बच रहा है, देखते हैं और कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है क्या, नाउ सी हियर sec 3x प्लस tan 3x, यहाँ पर भी देखो वही है sec 3x प्लस tan 3x, सो दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट्स कैंसल्ड, तो देखते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आता है, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर बच रहा है 3 sec 3x, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सम सॉल्व हो गया, तो बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको आ जाएगा ये, यहाँ पर जो साइन का एंगल है वो डिग्री में दिया हुआ है, तो डिग्री में अगर साइन का डिग्री में अगर एंगल रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो हम लोग उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको जो डिग्री मेजर है उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो y इक्वल टू 1 प्लस ये साइन है, x डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 से, तो ये एंगल हो जाएगा आपका पाई x अपॉन 180 साइन का एंगल हो जाएगा, सेम वे 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन पाई x अपॉन 180, दिस वे आई विल राइट, सो अभी मैं यहाँ पर u अपॉन v रूल अप्लाई कर सकता हूँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू बाई वी रूल, तो पहले v आता है 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180, ये आपका v हो गया, इंटू करते हैं हम लोग v इंटू लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स 1 प्लस साइन पाई x अपॉन 180, तो ये हो गया देखो आपका v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u करेंगे हम लोग, सो दैट इज 1 प्लस साइन पाई x अपॉन 180 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v करते हैं हम लोग, सो डी बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन पाई x
अपॉन 180 और टोटल डिवाइड में आपका होता है वी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस साइन दिस इज पाई एक्स अपॉन 180, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा दिस वे। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ देखो ये तो एज इट इज रहेगा आपका 1 माइनस साइन दिस इज पाई एक्स अपॉन 180, ये तो एज इट इज रहेगा इनटू, देखो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, बट एक्स के प्लेस पे क्या है पाई एक्स अपॉन 180 है, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया हो, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मीन्स पाई एक्स अपॉन 180 इंटू करना पड़ेगा आपको, इंटू क्या करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, तो आई विल राइट हियर डी बाय डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन माइनस साइन देखो यहाँ पर है माइनस साइन, अब ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, तो आई विल राइट हियर हियर 1 प्लस यहाँ पर है साइन एंड दिस इज पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है, इंटू देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा इंटू, नाउ सी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो साइन का यहाँ पे हो जाएगा कॉस और ये दिया आपको पाई एक्स अपॉन 180 है, इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 दिस वे अपॉन वी स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर है देखो 1 माइनस साइन एंड दिस इज पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर आपका एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, सी 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, तो ये पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन में है, डिग्री में अगेन कन्वर्ट करोगे तो ये एक्स डिग्री हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर 1 माइनस साइन, इसको लिख देते हैं हम लोग अगेन एक्स डिग्री इंटू देखो यहाँ पर कॉस पाई एक्स अपॉन 180, तो उसको भी मैं डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स डिग्री हो जाएगा इंटू, अभी ये वाले में आपको डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है पाई अपॉन 180, तो पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव आएगा पाई अपॉन 180, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई अपॉन 180, ठीक है, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। देन माइनस साइन यहाँ पे और यहाँ पे देखो आपका 1 प्लस साइन, अब यहाँ पे भी जो एंगल रेडियन में है मैं उसको डिग्री में लिख सकता हूँ, तो पाई एक्स अपॉन 180 को मैं यहाँ पर एक्स डिग्री लिख सकता हूँ सेम वे, और यहाँ पे देखो आपका इंटू है माइनस है कॉस और ये भी आपका डिग्री का रेडियन का डिग्री हो जाएगा एक्स डिग्री इंटू हियर डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, तो यहाँ पे भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो साइन ऑफ एक्स डिग्री और ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, देखते फाइनल आंसर क्या आता है यहाँ पर। नाउ सी हियर देखो न्यूमरेटर में जो है पाई अपॉन 180 और यहाँ पर भी पाई अपॉन 180 है, तो पाई अपॉन 180 में कॉमन ले सकता हूँ, सो आई विल राइट हियर पाई अपॉन 180 कॉमन, सो देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है आपका, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री बचेगा इंटू यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका कॉस एक्स डिग्री बच रहा है, ठीक है, देन यहाँ पर माइनस है नाउ ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर प्लस और देखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचता है आपका, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू है ये कॉस एक्स डिग्री, ठीक ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपका क्या बच रहा है 1 माइनस यहाँ पर देखो साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर आ रहा है ये, यहाँ पे देखो अभी कॉस एक्स डिग्री और ये कॉस एक्स डिग्री तो वो भी कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका पाई अपॉन 180 इंटू यहाँ पे कॉस एक्स डिग्री और ब्रैकेट में क्या बचता है देखते हैं अभी हम लोग, यहाँ पर बच रहा है आपको 1 माइनस साइन एक्स डिग्री बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस है 1 प्लस साइन एक्स डिग्री बच रहा है, तो दिस इज प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और अपॉन का जो टर्म है वो तो एज इट इज रहेगा आपका 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स डिग्री प्लस
तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस साइन एक्स डिग्री। सो देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है। सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू दिस इज कॉस एक्स डिग्री इंटू, देखो 1 + 1 तो यहाँ पे 2 बच रहा है आपका, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। अब देखो फाइनल स्टेप लिखेंगे हम लोग, अभी ये 2 और ये 180 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, पाई अपॉन 90 बच जाएगा। तो आई विल राइट हियर पाई अपॉन 90 डिग्री इंटू, यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी पाई अपॉन 90 इंटू कॉस एक्स डिग्री, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपका आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो सम सॉल्व हो गया ये। देखो अब यहाँ पे 10th सब क्वेश्चन लेता हूँ मैं, y इक्वल टू दिया है e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x अपॉन e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x। सो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट u अपॉन v रूल यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा सम, तो पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे e का जो पावर है वो माइनस 2x है, तो पावर नेगेटिव है, तो सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल लेकर के पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो ये देखो आपका हो जाएगा y इक्वल टू e रेस टू 2x एज इट इज रहेगा माइनस e रेस टू माइनस 2x है, तो पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 अपॉन e रेस टू 2x लिखना पड़ेगा। सेम थिंग यहां पर देखो, e रेस टू 2x है प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन e रेस टू 2x, तो नेगेटिव पावर को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 2x, तो ये हो जाएगा आपका e रेस टू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय e रेस टू 2x, ठीक है, और ये देखो टोटल डिवाइडेड बाय, सेम थिंग यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेस टू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय e रेस टू 2x। सिंप्लीफाई करेंगे e रेस टू 2x e रेस टू 2x कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, y इक्वल टू नाउ सी, अब ये पावर का पावर है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x इंटू 2 4x हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट e रेस टू 4x और यहाँ पे माइनस 1 है डिवाइडेड बाय, सेम थिंग यहाँ पर देखो आपका e रेस टू 4x और ये प्लस 1 आएगा। देखो गिवन आपका क्वेश्चन ये था, फंक्शन ये था, मैंने इसको सिंपल कर दिया, ये फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे u बाय v रूल से तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले v आएगा मतलब डिनोमिनेटर, तो आई विल राइट हियर e रेस टू 4x प्लस 1 v इंटू आता है डी बाय डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स e रेस टू 4x माइनस 1, देन माइनस आता है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u आएगा, दैट मीन्स e रेस टू 4x माइनस 1 इंटू आता है डी बाई डी एक्स ऑफ v, दैट इज e रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन आता है आपको मालूम है v का स्क्वायर, तो e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आंसर मिलेगा आपने को। सो दिस इज इक्वल टू नाउ e रेस टू 4x प्लस 1, ठीक है, एज इट इज मैंने रखा है यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, देखो e रेस टू 4x माइनस 1, तो माइनस 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। e रेस टू 4x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू 4x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो 4x का 4 हो जाएगा, तो e रेस टू 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 4 इंटू e रेस टू 4x लिख सकते हैं हम लोग। माइनस सी ईयर, ये तो एज इट इज रहेगा आपका e रेस टू 4x माइनस 1 इंटू, देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 4x प्लस 1 दिया है, तो e रेस टू 4x का डेरिवेटिव सेम वे 4 इंटू e रेस टू 4x आएगा और प्लस 1 का तो 0 होता है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर क्या है, एज इट इज रहेगा e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, कॉमन लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 4 e रेस टू 4x, 4 e रेस टू 4x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे 4 e रेस टू 4x कॉमन लेता हूँ। सो देखो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये e रेस टू 4x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस e रेस टू 4x माइनस 1, तो माइनस ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस e रेस टू 4x, माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये प्लस 1 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या है, देखो e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। सो दिस इज इक्वल टू नाउ
देखते फाइनल आंसर क्या आता है। अब ये प्लस ई रेज टू फोर एक्स माइनस ई रेज टू फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन टू होता है। सो दिस आई विल राइट हियर, फोर इंटू ई रेज टू फोर एक्स इंटू टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बच रहा है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा फोर टू ज़ा एट ई रेज टू फोर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू फोर एक्स प्लस वन और ये होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, dy अपॉन dx सम सॉल्व हो गया।